छठ के मौके पर नोएडा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भोजपुरी सिंगर और एक्टर अरविंद अकेला, जिन्हें लोग कल्लू के नाम से भी जानते हैं, और लोक गायिका मैथिली ठाकुर से हमारी संवाददाता चांद बेबी ने खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं कल्लू अकेला जी, हम इनसे जानते हैं वो छठ पूजा कैसे मनाते हैं। R9 देखने वाले सारे दर्शकों को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग नोएडा में छठ पूजा के शुभ अवसर पे आज हम लोग शो करने आए हैं। और रही बात छठ मनाने की, तो जब से मैं सिंगिंग स्टार्ट की हूँ 9 साल की उम्र से ही, तो 13-14 साल में 2-3 साल में अपने घर पर छठ मना पाया हूँ। बाकी सारे भोजपुरी दर्शकों के साथ ही मैं अपना छठ मनाता हूँ, क्योंकि यही मेरा परिवार है और इन्होंने ही मेरे को जो नाम आज कल्लू लोग जानते हैं, तो इन्हीं की वजह से जानते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों के साथ ही अपना छठ मनाऊं, तो छठ के गीत संगीत सुना के और उन सबका मन मुक्त करता हूं, और कोशिश रहती है कि सबका एंटरटेन करूं, सबका मनोरंजन करूं। कल्लू जी, इस छठ पे आप कौन सा गाना अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? देखिए, छठ का बहुत सारा गीत मेरा रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे, कंटिन्यू हमको लगता है कि 100 से अधिक गाने, लेकिन इस साल मैंने अपने किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट से एक न्यू छठ का सॉन्ग सुनाया है, तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आप लोग सर्च मारिएगा मांगे लिप पड़ाका, जो हम लोग पड़ाके फोड़ते हैं, उस पर मैंने गाया है। फिर पारंपरिक बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग मैंने गाए हैं, तो आज स्टेज पे परफॉर्म करेंगे तो आप लोग को सुनने को मिलेगा। साउंड काफ़ी आ रही है, तो तब पर भी कोशिश है कि एक खड़ा बड़ी पनिया में कनिया दोनों हाथवा जोड़ के, अरे हाली से लाली देखाइए सूरज देव निकली पूर्व ओर से। तो ये छठ माता का पारंपरिक गीत है, जब हम लोग अर्घ देते हैं और सूर्य भगवान का लोग इंतजार करते हैं, तो उस समय एक जो तिवई रहती है, जो बरती रहती है, जो 2 दिन से बिना अन्न जल के रहती है, वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, यही गाना का भाव है। हमारे साथ मौजूद है मैथिली सिंगर, जिनसे हम बात करेंगे, आइए चलते मैथिली के पास। आपके बार छठ आप कैसे मनाएं? मेरे यहाँ पे दादी माँ मनाती है, मेरी छठ मनाती है, तो उनको मैं विजिट करने के लिए मैं बिहार जा रही हूँ, उनसे मिलने के लिए और सेलिब्रेशन देखने के लिए। अपने दर्शकों के लिए आज कुछ खास गाना जो आप छठ पे गाने वाली है? बहुत सारे गाने हैं, मैं अभी भी एक प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ, मैंने यहाँ पे भी बहुत सारा गाना गाया, तो एक गाना गा के ही बता दीजिए थोड़ा सा मैम। बिहार पूर्वांचल के लोगों, कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, कोई लाभ लब जी कहरिया, बहंगी धाते। इस छठ पर आप अपने दर्शकों को कुछ अच्छा संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, अच्छे से सेलिब्रेट करिए, जितने पूर्वांचल के लोग हैं जो छठ मनाते हैं, इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी मनाते हैं लोग छठ, सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, और बस ये इस साल आपका, मतलब आने वाला साल आप लोग का बहुत अच्छा गुजरे, आप लोग जो चाहते हैं वो आप लोग को मिले।